हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कर रहे हैं सेवन्थ क्लास एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। जैसे मान लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें पी क्यू आर दे रखा है, पी क्यू आर। वैसे तो पी राइट एंगल एट पी है, तो ये पी हो जाएगा, बाकी बचा हुआ ये क्यू ले लिया, पी क्यू आर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो पॉइंट जिस पर 90 डिग्री एंगल बना है ना, उस पॉइंट को छोड़ देते हैं, बाकी दो पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है वो होती है हाइपोटेनियस। तो पी को छोड़ दिया, बाकी जो बच गई वो क्या है, आर क्यू, आर एंड क्यू, ये दो बना, दो पॉइंट है, इन दो पॉइंटों से बना है लाइन सेगमेंट आर क्यू। तो ये हाइपोटेनस हो गई आपकी, और ये इसको बेस ले लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एच स्क्वेयर इजिकल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, हाइपोटेनस स्क्वेयर इजिकल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन कहता है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड एट पी, पी के ऊपर राइट एंगल्ड है। अगर पी क्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर और पी आर दे रखी है 24 सेंटीमीटर, पी आर, पी आर, ये 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर, क्यू आर, ये क्यू है, ये आर, ये हमें लेट करना है, इसको मैंने एक्स लेट कर लिया है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट पी, एच स्क्वेयर इजल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर, एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बी इसको हमने क्या लेट कर लिया था, एक्स स्क्वेयर, एक्स लेट कर लिया था एच को, तो बी बेस 24 स्क्वेयर प्लस पी यानी परपेंडिकुलर 10 स्क्वेयर, 24 स्क्वेयर होता है 24 4 96, 9 24 2 48, 9 5 76 प्लस 100, ये बना 676। अब हम 676 का स्क्वेयर रूट निकालेंगे और वो डिवीजन मेथड से करते हैं हम 676। तो कैसे निकालेंगे भला, सी एट इट एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस बाय दिस मेथड। 676 को निकाल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ हम पीछे से पेयर बनाएंगे, 76 दो का एक पेयर बन गया, 6 के अंदर कुछ नहीं बचा तो ये 06 समझ सकते हैं हम, याद रहे पीछे से पेयर बनाएंगे आगे से नहीं। तो हम अब एक कोई नंबर लेंगे जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पर इससे छोटा या बराबर आए, पहले 1 ले लेते हैं, 1 1 जार 1, नेक्स्ट 2 2 जार 4, नेक्स्ट 3 3 जार 9, 9 बड़ा आ गया ना, तो हम क्या लेंगे इससे पहले वाला 2 2 2 जार 4, माइनस के 6 माइनस 4 2, 76। अब इसके अंदर ये 2 से किया ना मल्टीप्लाई, तो 2 के अंदर ये ऐड करके नेक्स्ट डिजिट नीचे आएगा। अब हमें नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा नहीं पता, तो हम एक डिजिट यहाँ छोड़ दिया, एक डिजिट हमने यहाँ छोड़ दिया जो आने वाला है, और 27 को डिवाइड करेंगे 4 के टेबल में, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, तो 6 तक जा रहे हैं तो हम 46 लेंगे, 6 6 जार 36, 6 4 जार 24, 3 27, 276। तो आप देख रहे हैं 26 हमारा स्क्वेयर रूट आ गया है, इसका मतलब वो हमारा आंसर भी है 26 स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर जो 26, 6 स्क्वेयर से स्क्वेयर हट गया तो एक्स वैल्यू 26 हो गई। हैंस हमें जो फाइंड आउट करना था वो था क्यू आर, क्यू आर इजल टू हो गया 26 सेंटीमीटर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज़ वॉच दैट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।